हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में देखते हैं गूगल शीट्स में सम प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में। सम प्रोडक्ट फंक्शन एक एरे फॉर्म में काम करता है। सम प्रोडक्ट का डेफिनेशन ये है, कैलकुलेट द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन टू इक्वल साइज एरेज और रेंजेस। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है, सम प्रोडक्ट ब्रैकेट में एरे वन और मल्टीपल एरे, एरे वन कॉमा एरे टू कॉमा एरे थ्री कॉमा एरे फोर, ऐसे मल्टीपल एरे भी हो सकते हैं। और ये फंक्शन कई सारे फॉर्मूले के काम, कई सारे फंक्शन के काम अकेला ही कर सकता है, जैसे सम इफ, सम इफ्स, काउंट ए, काउंट इफ्स, मैक्स इफ्स, मिन इफ्स, या इसके अलावा भी और भी कई सारे फॉर्मूले के काम इस अकेले फंक्शन से कर सकते हैं। और इन फॉर्मूले के अलावा भी और भी कई सारे मिक्स फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। गूगल शीट में मूव होते हैं, जैसे ये आइटम है, इनके क्वांटिटी और प्राइस। इन सारे आइटम के टोटल निकालने के लिए इज इक्वल टू B3 इंटू C3, एंटर, और इसको ड्रैग करेंगे जहां तक डेटा होगा, और उसके बाद सम करते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में यहां से लेके E3 से लेके E6, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये टोटल ऐसे करके आया। इसका टोटल डायरेक्टली सम प्रोडक्ट फंक्शन से भी ला सकते हैं, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट टैब एरे में ये रेंज एरे वन कॉमा एरे टू में ये है और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए 260 260। अगर यहां पे कुछ और होंगे और यहां पे कॉमा करके मल्टीपल एरे दे सकते हैं, ये D3 से लेके D6, ये सब का टोटल आ जाएगा ये 670। सम प्रोडक्ट फंक्शन काम करता है एरे वन और एरे टू या मल्टीपल एरे, उनको एक आपस में मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालने का काम करता है। अब इस शीट में देखते हैं, इज इक्वल टू दिस इंटू ये C3, एंटर, और इसको सब में ड्रैग करते हैं, देन इसका सम E3 से लेके E14, एंटर करते हैं, ये टोटल इतना आ रहा है। इसी को सम प्रोडक्ट से निकालते हैं, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट एरे वन में ये एरे वन कॉमा एरे टू में ये जहां तक डेटा होगा आपके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सेम रिजल्ट ये हो गया। अभी इसको रिमूव करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं टेक्निकली कैसे काम करता है। इज इक्वल टू पहले ये रेंज, इसको एरे में कन्वर्ट करते हैं, इनटू और सेकंड रेंज, सेकंड एरे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसमें सम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये देखिए इसमें फर्स्ट एरे देन सेकंड एरे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया, देन उन सबको सम कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको सम प्रोडक्ट से देखते हैं, प्रोडक्ट, एंटर, ये देखिए सेम रिजल्ट आ गया। सम प्रोडक्ट अपने आप में एरे फॉर्मूला है, तो ये एरे फॉर्मूला मैनुअली लगाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए
अगर इसको ब्रैकेट रिमूव करते हैं, डिलीट एंटर, देखिए सेम रिजल्ट है, या तो यहाँ पे कॉमा भी कर सकते हैं तब भी सेम रिजल्ट आएगा। अब इसको डिलीट करते हैं, इज इक्वल टू यूनिक, यहां से लेके यहां तक, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इस डेटा से कीबोर्ड के टोटल प्राइस निकालना है। टोटल प्राइस करने के लिए यहां पे क्वांटिटी और प्राइस मल्टीपल होके इन आइटम के अकॉर्डिंग टोटल प्राइस आ जाए। अगर सम इफ से करना होगा तो ये इन दोनों को आपस, इसको डिलीट करते हैं, यहां पे लिखते हैं टोटल सम इफ से निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ये मल्टीप्लाई कर रखा है, अब यहां पे सम इफ से लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ से सम रेंज, ये F4 फ्रीज कर देंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, ये F4 कॉमा क्राइटेरिया, ये ब्रैकेट क्लोज एंटर, ओके। ये समीप से आ गया। समीप के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, देन उसके बाद समीप लगा सकते हैं। बट सम प्रोडक्ट फंक्शन से बिना हेल्पर कॉलम, बिना मल्टीप्लाई करे डायरेक्टली इस डेटा से आइटम के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट आ जाएगा। इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, टैब प्रेस करेंगे, एरे वन में ये B3 से लेके B14 कॉमा ये, पहले इतना करते हैं, पहले ये टोटल आ जाएगा, ये टोटल आ गया। देन हमें लगाना कंडीशन, कॉमा एरे में, एरे थ्री में ये A3 से लेके A14 इज इक्वल टू इस एरे के अंदर वैल्यू होना चाहिए, इस एरे इज इक्वल टू ये वैल्यू G3। अब इनको फ्रीज करते हैं, F4 F4 फ्रिज के लिए एंटर। ये देखिए ये सम प्रोडक्ट से आ गया, ये सम इफ से सेम रिजल्ट आ गए। सम इफ्स के लिए इस हेल्पर कॉलम का हेल्प लेना होगा, ये नहीं करेंगे तो सम इफ से रिजल्ट आएगा नहीं। तो ये सम प्रोडक्ट से क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके आइटम के अकॉर्डिंग टोटल सम निकल के आ गया। ओके गाइस, इस वीडियो में गूगल शीट्स में सम प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में देखा। आने वाले वीडियोस में सम प्रोडक्ट फंक्शन के और सीरीज देखेंगे। आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।